कार्यवाही करने गए पटवारी को रेत माफिया ने कुचला, आरोपी रेत माफिया चालक गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां रेत का अवैध उत्खनन रोकने गए पटवारी की बेखौफ रेत माफिया ट्रैक्टर चढ़ाकर हत्या कर दी, जिससे पटवारी की मौके पर ही मौत हो गई। देवलोंद पुलिस ने हत्यारे रेत माफिया के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। शहडोल जिले के देवलोंद थाना क्षेत्र के गोपालपुर वहरहई सोन नदी में हो रहे रेत उत्खनन पर कार्रवाई करने गए रीवा जिले के रहने वाले 45 वर्षीय ब्योहारी के खड़ा में पदस्थ पटवारी प्रसन्न सिंह, देर रात सूचना मिलने पर पटवारी अपने 3 अन्य पटवारी सहकर्मियों के साथ उस जगह गए, जहां से उन्हें रेत के अवैध उत्खनन की सूचना मिल रही थी। मौके पर कुछ लोग ट्रैक्टरों में अवैध रेत लेकर निकल रहे थे। पटवारी प्रसन्न सिंह ने ट्रैक्टर के सामने आकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन ट्रैक्टर चालक पटवारी को रोनते हुए वहां से फरार हो गया। इसके पहले पिछले 3 दिन से प्रशासन उसी इलाके में अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ कार्रवाई भी कर रही थी, लेकिन बेखौफ माफिया लगातार सोन नदी से अवैध उत्खनन में लगा हुआ था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी ट्रैक्टर चालक को मेहर जिले से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ड्राइवर शुभम विश्वकर्मा और ट्रैक्टर मालिक प्रशांत सिंह दोनों मेहर के रहने वाले हैं। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। वहीं आरोपी ट्रैक्टर चालक शुभम विश्वकर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। शहडोल में खनन माफियाओं का तांडव जारी है। सोन नदी में हो रहे रेत के अवैध खनन को रोकने गए पटवारी को माफिया ने ट्रैक्टर से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। ये घटना आधी रात की है। देवलोंद पुलिस ने बताया कि ब्योहारी तहसील के खड़ा में पदस्थ पटवारी प्रसन्न सिंह बघेल तहसीलदार के आदेश पर अपने 3 अन्य पटवारी साथियों के साथ सरकारी वाहन से पेट्रोलिंग करते रेत के अवैध खनन को रोकने गए थे। तभी गोपालपुर गांव में खनन माफियाओं ने पटवारी के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाकर उसे मार डाला। पुलिस और प्रशासन के सहयोग से जिले में रेत और कोयले का अवैध खनन पिछले कई महीनों से जारी है। अवैध उत्खनन परिवहन करने की कार्रवाई करने गए थे पटवारी, जिस पर एक कथित रूप से जो रेत माफिया है उसने गाड़ी चढ़ा दी, ट्रैक्टर चढ़ा दी, जिससे उसकी मौत हो गई। क्या है पूरा मामला, किसके खिलाफ मामला कायम, क्या मामला कायम, क्या पूरा? इसमें रात में जब सूचना प्राप्त हुई थी तो 3 थानों का पुलिस बल मौके पर तत्काल पहुँच गया था और रात में ही वहाँ से शव को हटाना और पंचनामे की कार्रवाई की गई। इसके उपरांत जो मुख्य आरोपी था उसको भी राउंड अप कर लिया गया है, साथ ही जो ट्रैक्टर था घटना में प्रयुक्त उसको भी जब्त कर लिया गया है। FIR भी कर दी गई है और माननीय ADC साहब के द्वारा इसमें 30,000 का इनाम भी घोषित था, तो इसकी गिरफ्तारी भी तत्काल हो चुकी है। सर, ये पटवारी वहाँ पे कार्रवाई के लिए गए थे क्या? ये पटवारियों का एक दल रात में, जैसा बताया गया, रात में पेट्रोलिंग हेतु वहाँ पे गया हुआ था और उसी बीच ये दुखद घटना वहाँ कारित हुई है। इसके उपरांत पुलिस ने वैधानिक कार्रवाई कर ली। इसके पहले भी पुलिस वहाँ पे कार्रवाई की थी आसपास के? पिछले 3 दिनों से राजस्व, माइनिंग और पुलिस का संयुक्त हमला एक बनाकर वहाँ भेजा गया था, जो लगातार वहाँ अवैध रूप से उत्खनित जो रेत थी उसको जब्त कर रहा था और कार्रवाई वहाँ पे मौके पर कर रहा था। कल रात 9 बजे तक भी ये पूरी कार्रवाई वहाँ पे की गई। ब्योहारी में बुढ़वा क्षेत्र में अवैध के रेत उत्खनन के लगातार मामले सामने आ रहे थे और इसकी शिकायतें प्राप्त हो रही थी, इसलिए 23 तारीख को राजस्व खनिज ने और पुलिस अधीक्षक के साथ में वहां पर निरीक्षण किया गया और 24 और 25 को बड़ी बड़ी रेत की जब्ती की गई। 24 तारीख को 225 घन मीटर रेत जब्त की गई, 25 तारीख को भी 250 घन मीटर रेत जब्त की गई और 25 तारीख की रात को 8:30 बजे तक SDM खनिज अधिकारी और पुलिस के जवान वहां पे मौके पे थे और उन्होंने वहां पे जब्ती की गई। और उसके बाद रात के समय 4 हमारे जो पटवारी थे जिनको कि उस क्षेत्र में लगातार 3 दिन तक वो जब्ती में सहयोग कर रहे थे, उनको वहां पे कार्रवाई करवा रहे थे, वो रात को सिर्फ ये मौका देखने के लिए वो गए थे कि अब और कोई रेत तो नहीं बची या कोई घटना नहीं हो रही। तो उसी वक्त एक ट्रैक्टर निकला जिससे उन्होंने सिर्फ मात्र पूछताछ के लिए उसके रोक के बस जानकारी लेना चाहिए, तो उसने हमारे पटवारी प्रसन्न सिंह उसको वहां पे उसने कुचल के उसको मार दिया। कहीं ना कहीं क्या कार्रवाई की गई मैम इसमें? पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है। कहीं ना कहीं मैडम ऐसा नहीं है कि अभी लगातार जो है रेत के टेंडर नहीं हुए, इसको लेकर के आसपास के क्षेत्रों में बदस्तूर जो है अवैध उत्खनन परिवहन जारी है? हाँ, अभी रेत का, इसके पहले जब भी होती थी इस तरह की कार्रवाई तो जो भी कंपनी जिसको ठेका दिया जाता था उसको हम लोग जब्ती में दे दिया करते थे। नहीं मैडम, पिछले 4 माह से 15 जून से यहाँ रेत की जो अवैध खदाने शासन के द्वारा जो आवंटित होती है वो बंद है, उसके बावजूद पूरे जिले में अवैध उत्खनन जारी है और रेत बाहर भेजी जा रही है, इस पर क्या अंकुश? इसीलिए तो कार्रवाई करी, अंकुश लगाने के लिए तो ये कार्रवाई की गई।